हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ाया था और बताया था कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन कौन से अननेसेसरी हैं। उसी से रिलेटेड आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अपने आंसर तक लाते हैं। तो ये सारे टेक्निक सीखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉस कॉट थीटा का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो हमें LHS से RHS की ओर जाना है और प्रूफ करना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है। तो इसका क्या तरीका है? इसका ये तरीका है कि हम LHS से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना और RHS लाने की कोशिश करेंगे, राइट। समझ गए? तो पहला स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले मैं इसे स्क्रीन को एक बार क्लियर कर दूँ, फिर देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले ना आपको चीज़ों को सिंपलेस्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। होल स्क्वायर तो लगा ही हुआ है तो फिर से लगा देंगे। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने चीज़ों को साइन और कॉस में बदल दिया। बच्चों जनरली ऐसा होता है कि जब कुछ समझ में ना आए तो आप इसी तरह से इसी टेक्नोलॉजी इसी मेथड को लगाइएगा, चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, जो हमें RHS लाना है उसमें भी कॉस थीटा है तो हम ऐसा कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हुआ कि इन सारे रेशियोज़ को हम साइन कॉस में बदल लेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने LCM लिया है और LCM लेने के बाद हमें क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ओवरऑल होल स्क्वायर, राइट। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि हमने सिर्फ LCM लिया है। थर्ड स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में ना 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों पे हम स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जब ओवरऑल स्क्वायर होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर और बाई बी स्क्वायर हो जाता है। तो मैंने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर लगा दिया और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर लगा दिया। साथ ही साथ मैंने डिनोमिनेटर को इस बार नहीं छेड़ा है, जैसा था वैसा ही रखा है। फोर्थ स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये कैसे आया आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी आइडेंटिटी से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर आपने 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को क्यों नहीं एक्सपेंड किया और आपने साइन स्क्वायर थीटा को ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में क्यों कन्वर्ट किया? इसका कारण देखो बच्चों, RHS में है। RHS में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा लाना है। तो हमें मैक्सिमम कोशिश करना है सॉल्व करते समय कि हम उसी के अकॉर्डिंग बढ़े जो हमें प्रूफ करना है। ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है उसी फॉर्मेट में, इसलिए मैंने उसे नहीं छेड़ा और साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ में नहीं चाहिए, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलिए अब हम अपने स्लाइड को ऊपर करते हैं और देखते हैं आगे। आगे हमने क्या किया है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को दो बार लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है दो बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ए स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, वन पे कोई भी पावर लगा सकते हैं, इसीलिए हम वन पे स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। और यही तो हम चाहते थे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। और जो बचा वो बच्चों देखो हमारा आरएचएस है, तो कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। तो हमने इसमें सीखा कि हमें कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, कब कौन सा चेंज करना है, और जो भी चेंज करना है वो अकॉर्डिंग टू आरएचएस, जहां आपको चीज़ों को प्रूफ करना है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन रेड कलर से है, आपको दिख रहा होगा, राइट। हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, प्रूफ करना है टू सेक ए। हमेशा बच्चों देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हमेशा बड़ा जो बड़ा फॉर्म होता है उसको लेके चलते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म को प्रूफ करते हैं, इसलिए हम इस केस में भी एलएचएस लेकर बढ़ेंगे और आरएचएस को प्रूफ करेंगे। अब जैसे कि पहले केस में क्या किया था हमने, पहले केस में हमने सबको साइन कॉस में बदल दिया था, राइट। लेकिन यहाँ वो ऑलरेडी साइन कॉस में है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब हमने एलसीएम लिया तो स्टेप फर्स्ट हमें मिलता है, इसमें कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस साइन ए कॉस ए, राइट। अब जो एलसीएम मिला, जो हमें फर्स्ट स्टेप मिला, उसमें वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जो आया है, आपको दिख रहा होगा ना, ये वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब आप बोलोगे सर पिछले बार तो आपने एक्सपेंड किया नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपने एक्सपेंड तो किया नहीं था और यहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं। बेटा यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं थी एक्सपेंड करने की, यहाँ पे हमें ऑलरेडी वन माइनस कॉस थीटा ही चाहिए था, जो चाहिए था उसको और क्यों बिगाड़े, इसलिए यहाँ एक्सपेंड नहीं किया था। पर यहाँ मैं इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूँ कि और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, एक्सपेंड करने के बाद शायद हमें कुछ मिल जाए जो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। और मैंने इसलिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करके इसे एक्सपेंड कर दिया। ये देखिए ये है ए प्लस बी के होल स्क्वायर से जो मैंने एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलोगे सर आपने एक्सपेंड तो कर दिया, फ़ायदा तो दिख नहीं रहा है। अब आपको दिखेगा जब आप ध्यान से देखोगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इन दोनों टर्म को एक साथ रख दो, बाकी टर्म को आगे अरेंज कर दो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, और हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में ही तो लाना है। देखो आरएचएस एकदम सिंपल है, इसलिए हमें वो करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जैसे ही किया, यहाँ पे हम वन लिख सकते हैं, और देखिए ये वन लिखने पे ये स्टेप कितना सिंपल हो गया। देखिए आप फोर्थ स्टेप देखिए, मैं आपको अलग से उसको दिखा दूँ, ये स्टेप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन लिखने के बाद ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करेंगे और फिर देखेंगे आगे अगला स्टेप, जो हमारा चौथा स्टेप है वो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन, यहाँ देखिए वन प्लस वन टू हो जाएगा, और प्लस टू साइन है, टू प्लस टू साइन से मैंने टू को कॉमन कर लिया। क्यों कॉमन कर लिया, इसलिए कॉमन कर लिया कि वहाँ से कॉमन होने के बाद वन प्लस साइन ए बचा न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी वन प्लस साइन ए है, दिख रहा है आपको, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे
और नीचे बचेगा कॉस ए। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा है, फाइनली हमारे पास जो बचा है वो है 2 बाई कॉस ए, राइट। अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आइए देखते हैं 2 बाई कॉस ए, ये दिख रहा है आपको यहाँ 2 बाई कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए को सेक ए, क्योंकि आपको पता है कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं और यही तो हमें प्रूव करना था। तो देखा कितनी आसानी से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आप इस टेक्निक को फॉलो कीजिए और अकॉर्डिंग टू आंसर जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आगे बढ़िए तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, अच्छा लगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मैं ट्रिग्नोमेट्री का ही लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये एक नया टॉपिक है जिसमें हम सीखेंगे कि साइन कॉस टैन ए के कुछ वैल्यूज़ पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या होगा और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, धन्यवाद।